नहीं रहेंगे, क्योंकि हम संविधानिक संत हैं, हम नाथ प्रसाद संप्रदाय के संत हैं, हम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानते हैं। अच्छा। सुप्रीम वो आदेश देंगे, जब हमारा मंदिर निर्माण बनने का आदेश होगा तब हम मंदिर बनाएंगे। हम उनके जैसा अफरू डफरू संत नहीं है कि जो भी कहेगा और मैं अभी अभी पाताल बाबा जी को बोलने दिए, बहुत देर बाद कोर्ट का बेंच अगर देगा मंदिर बनाने का इजाजत तब हम मंदिर बनाएंगे। और देखिए मिश्रा जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ जुड़ गए हैं, आशीर्वाद किसको मिलेगा प्रयागराज का? आप एके मिश्रा जी जिस तरह से सभी पार्टियां पहुंच रही हैं, संगम में डुबकी लगा रही हैं, क्या राजनीतिक जरूरत हो गई है आस्था की डुबकी, ऐसा लग रहा है क्या? मेरे सारे प्रवक्ता ने और जो मुनि महाराज बैठे हैं, दुनिया भर की रामायण खत्म हो गई, लेकिन आपका जो मूलभूत सवाल था मुद्दा कि कुंभ में डुबकी सब लगा रहे हैं, आशीर्वाद किसको मिलेगा, मैं बोलूंगा कि डेफिनेटली सारे लोग, कांग्रेस बीजेपी समाजवादी पार्टी सब लोग जा रहे हैं, अच्छी चीज है, धार्मिक मान्यता के लिए जा रहे हैं, अच्छी चीज है, और पॉलिटिकल माइलेज भी लेना चाहते हैं। आशीर्वाद किसको मिलेगा इसका भी उत्तर मैं आपको इसी धर्म से दूंगा, हिंदू धर्म से। देखिए कुंभ में स्नान करना, पूजा पाठ करना, फल किसको मिलेगा इसके लिए हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा अच्छा लिखा हुआ है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अगर राजनीतिक पार्टियां ये सोचती हैं कि केवल कुंभ में डुबकी लगा लेने से मेरी चुनावी नैया पार हो जाएंगी, तो उस चक्कर में ना रहे, चुनावी नैया उसी की पार होगी जिसने अच्छा काम किया, जो अच्छा काम करेगा और चुनाव प्रचार में भी अच्छे तरीके से अपनी कैंपेनिंग करेगा। ये आंसर आपको मिल गया। दूसरा चीज मैं आपको बताऊं, ये सारे लोग राजनीतिक हित साधने जा रहे हैं कि नहाने, मैं ये बोलूंगा कि इस चीज को एक किनारे रख दीजिए कि भाई अब जो नेता हिंदू हैं, हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं, वो जाएंगे, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि ग्रेटर इनका टारगेट पॉलिटिकल वो होता है एक पोस्चरिंग करना। वोटों का ध्रुवीकरण चल रहा है तो पोस्चरिंग करना कौन कितना बड़ा हिंदू है। देखिए उसके पीछे रीजन है, वोट बैंक तो है ही हिंदुओं का, एक एडेड जो है एडवांटेज मिल जाता है, उसके पीछे भी लॉजिक है। लॉजिक ये है, अगर आपको हिंदू धर्म में गंगा में, यमुना में, त्रिवेणी में, सरस्वती में विश्वास है, तो कुंभ के अतिरिक्त पहले दिनों में ये सारे नेता एक बार भी डुबकी नहाने क्यों नहीं गए? मोदी जी इतने दिन प्रधान मुख्यमंत्री रहे, गुजरात में रहे, इसके पहले यानी 2014 के पहले या अब की बार मोदी योगी जी से पूछिए, मुझे नहीं लगता है वो महंत है, क्या कभी कुंभ में उनका डेरा लगा है? राजनीतिक फायदा इतिहास में देखिए, हालांकि मैं आपको बता दूं, जिस दिन से कुंभ प्रकट हुआ यानी देवताओं और राक्षसों में लड़ाई होने लगी, राजनीतिक प्रभुत्व का ही वो भी चक्कर था, देवता चाहते थे मैं अमृत पीऊं, तो कुंभ की उत्पत्ति के साथ ही राक्षस भी चाहते थे मैं अमृत पीऊं, तो उस दिन से ये राजनीतिक प्रभुत्व बनाने का जो है आधिपत्य जमाने का झगड़ा तो उसी दिन से शुरू हो गया, वो आज भी चल रहा है। एक राजा इतिहास में केवल ऐसा हुए हैं जिन्होंने इसका राजनीतिक फायदा नहीं उठाया, वो है राजा हर्षवर्धन, जो वहां जाते थे और अपने कपड़े दान करते थे, कपड़े दान करते करते उन्होंने एक बार अपने सारे कपड़े दान कर दिए और अपनी बहन से कपड़े मांग के जो है फिर वो वापस लौटे। राजनीतिक फायदा कौन नहीं उठाता है? जनता नहीं उठाती है और जो लोग एक महीने वहां कलबवास करते हैं। मैं धड़ल्ले से बोलूंगा, खुल के बोलूंगा, मैं प्रियंका गांधी जी जा रही है, आपको नमन है, आप जाइए नहाइए, मैं यही पूछूंगा, आपकी एज 35 साल, 40 साल, 45 साल, 60 साल हो गई है नेताओं की, इसके पहले क्यों नहीं गए? चुनाव आ गया है इसलिए जा रहे हैं, 2013-14 इसके पहले कितने कुंभ लगे हैं? डिबेट की शुरुआत में ही सवाल मेरा यही था, क्यों जा करते इन्होंने? डिबेट की शुरुआत में ही सवाल मेरे पास यही था, ये लिस्ट मेरे पास है, 2013 में गिनती के 5 से 6 चेहरे वहां नजर आए थे और इस बार लिस्ट लंबी होती चली जा रही है। झूठ बोलने का कहना अगर एक साथ बोलेंगे तो समझ नहीं आएगा, एक साथ बोलेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, एक एक करके बोलिए, मैं कह रही हूँ एक एक करके बोलिए, एक एक करके, मैं कह रही हूँ एक एक करके बोलिए ताकि समझ आए। अच्छा एक एक करके,
दूसरी बात, दूसरी बात पर हमें होनी चाहिए अभी, दूसरी बात झूठ बोल रहे महाराज जी से सवाल पूछा, अभी वीडियो दिखा दूंगा क्यों पूछ रहे हम करता हूँ यूट्यूब पे डाल के अपमान का है यूट्यूब पे डाल के आप सच्चाई देखा दुनिया को प्लास्टिक सर्जरी हमने सिखाई है आप क्या आप गणेश भगवान की को प्लास्टिक सर्जरी का सैंपल बोलेंगे या फिर आप गणेश भगवान जी का सैंपल बना सकते हैं सैंपल बोलेंगे अच्छा शांत हो जाइए, एक एक करके बोलेंगे तो समझ में आएगा, एक एक करके बोलेंगे तो समझ में आएगा। अच्छा रुकिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कह रही हूँ आज की बात करेंगे। सर जी शांत हो जाइए, सर जी शांत हो जाइए, सर जी शांत हो जाइए। रचना जी महाराज जी ने पूजनीय कुंभ का एग्जाम्पल दिया, पूजनीय संत का। अरे उन्होंने संत ने बोला, मैंने मोदी को दिया, आप जबरदस्ती लेना चाह रहे क्या? अरे उन्होंने संत, वे संत हैं, पूजनीय है, पूरी परंपरा के संत हैं, पूजनीय है। उन्होंने मोदी को दिया, हरी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, हरी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए हरी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, शांत हो जाइए। जिनको भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में पहुंचाया है, और हमारे लिए पूजनीय कंप्यूटर बाबा भी है, हमारे पूजनीय हरिमोहन जी भी है, हमारे लिए पूजनीय मोदी महाराज जी भी है, हमारे लिए पूजनीय डिजिटल बाबा भी है, जो भारतीय जनता पार्टी का खंडन करते हैं। सुनिए आज सवाल होना है, अगर आप एक साथ बोलेंगे ना कोई समझ नहीं आएगा, नहीं नहीं वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा बोलना। सैफ जी शांत हो जाइए, सैफ जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, मैं कह रही हूँ शांत हो जाइए। अगर एक एक करके बोलेंगे समझ में आएगा, एक एक करके बात करेंगे तो समझ में आएगा। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए देखिए हरीश जी कुछ बोल रहे हैं, हरीश जी कुछ बोल रहे हैं, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। एक एक करके बोलेंगे तो समझ में आएगा। अच्छा शांत हो जाइए, थोड़ी देर थोड़ी देर। अगर एक साथ बोलेंगे सब मिक्स हो जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। सुनिए महाराज जी ने, मेरी सुनो, मैं जवाब दे रहा हूं आपसे। सुनिए आप जवाब दीजिएगा अपने वक्त के ऊपर, मैं पहले वीडियो दिखा दूं। अच्छा शांत हो जाइए, सैफ का सवाल, सैफ सुनिए, सैफ सुनिए, सैफ सुनिए, सैफ सुनिए, आपके टॉपिक पे, आपके टॉपिक पे आज का जो टॉपिक है उस पर डिबेट करते हैं। सैफ सैफ जी सुनिए, आज जो टॉपिक है कुंभ का टॉपिक है, कुंभ कुंभ पर डिबेट करते हैं। शांत हो जाइए। अच्छा ठीक है ठीक है, देखिए मैं कह रही हूँ शांत हो जाइए। आज कुंभ का टॉपिक है, कुंभ पर बात कीजिए, टॉपिक पर बात कीजिए। सैफ सैफ कुंभ पर बात कीजिए, सैफ कुंभ पर बात कीजिए कि राम झूठे हैं, राम का अस्तित्व नहीं। अच्छा ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। कुंभ पर बात करेंगे, कुंभ पर बात करेंगे, कुंभ पर बात करेंगे, नहीं और कोई बात नहीं, कुंभ पर बात होगी। सैफ जी नहीं 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 नहीं, सैफ जी शांत हो जाइए, सैफ जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, सैफ जी शांत। मैं कह रही हूँ अगर एक एक करके बात करेंगे तो समझ में आएगा। मैं कह रही हूँ एक एक करके बात करेंगे तो समझ में आएगा। नहीं ये तो टाइम खराब करने वाली बात नहीं सर, जिस तरह इस तरह इस तरह नहीं, कुछ समझ ही नहीं आएगा, कुछ समझ ही नहीं आएगा, कुछ समझ ही नहीं आएगा। मैं कह रही हूँ शांत हो जाइए, शांति से एक एक करके अपनी बात रखिए, शांति से। अच्छा रुकिए, संगम में सियासी डुबकी लगाई जा रही है, कई राजनीतिक पार्टियां पहुंच गई हैं, डुबकी लगा चुकी हैं और कई पार्टियां डुबकी की तैयारी में हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही
कि जनता का आशीर्वाद आखिर मिलेगा किसे। इसी पर चर्चा के लिए बड़ा पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है। हालांकि ब्रेक पर जाने से पहले डिबेट थोड़ी सी डिरेल हो गई थी, इसीलिए हमें ब्रेक लेना पड़ा था। ब्रेक से वापस आते हुए वंदना पांडे जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। संत समाज एक तरफ नाराज दिखाई दे रहे थे, 21 तारीख को अयोध्या कूच की भी बात कही जा रही थी, लेकिन अचानक यू टर्न ले लिया गया वीएचपी की तरफ से, संघ की तरफ से भी। अभी पाताल बाबा जी भी कह रहे हैं कि नहीं, कोई शिकायत नहीं है नरेंद्र मोदी जी से हमें, हम तो आशीर्वाद हमारा उनके साथ है। ऐसे में ये बताइए, जब प्रियंका डुबकी लगाने की तैयारी में है, राहुल गांधी के साथ वो जा रही है, प्रियंका वॉर के बीच में बीजेपी को आपका सजेशन क्या है? देखिए, जैसा कि आदरणीय हरीश श्रीवास्तव जी ने कहा कि धर्म कुंभ जो है वो सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन है। उस सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन में अगर ईश्वर उन सभी लोगों को सद्बुद्धि दे जो कल तक इस सारे पूरे के पूरे स्वरूप को, पूरे के पूरे इस धर्म को नकारते थे, उनकी आस्था है, अगर वो पहुंच रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है कि हमारा भारत एक इतना सशक्त राष्ट्र बन रहा है, हिंदू धर्म का इतना सशक्त राष्ट्र बन रहा है, और जिसमें सभी लोग आ रहे हैं, पूरी आस्था के साथ आ रहे हैं, जो हिंदू धर्म का सम्मान करे, जो भारत का सम्मान करे, जो भारत की राष्ट्रीय अस्मिता और पहचान का सम्मान करे, वो आए, वो डुबकी लगाए, वहां साष्टांग दंडवत करे, प्लीज आपने पहले जो बात आपत्ति बताया, नहीं बिल्कुल बिल्कुल अगर एक बोले तो दूसरा सुनो, जनक बात नहीं कही है। आप इशारा समझ रहे हैं, आप इशारा समझ रहे हैं, और आप इशारा का मैं अपनी बात कह दूं, जो था या बाकी के इशारा समझ रहे हैं, आप बताओ क्या तुरंत भेजा। अरे आप शशि थरूर को सुनना, शशि थरूर ने क्या कहा, शशि थरूर ने कहा कि हम नंगे और पापी लोग नहाने जाते हैं। आपने आप भी समझिए, अगर अगर वंदना की अपनी बात रखी है, एक एक करके शशि थरूर एक एक करके शशि थरूर ने क्या कहा बोला ना, शशि थरूर ने क्या कहा, भगवान हनुमान जी के लिए उन्होंने क्या कहा, पापी और नंगे राहुल जी प्रियंका जी भी अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। शाहजहां नदवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सामने स्कॉलर है। शाहजहां नदवी जी, मेरा सवाल आपसे है, आप कांग्रेस जो तुष्टीकरण की राजनीति करती रही, प्रियंका गांधी अब कुंभ में डुबकी लगाएंगी, वो प्रियंका आपको स्वीकार होंगी क्या? किससे पूछिए रचना जी, जी से मेरा सवाल, मैं एक बात रख दूं उसके बाद आप दूसरे सवाल लीजिए जी। देखिए, ये जो कुंभ का पर्व है, पवित्र, मैंने जो महाराज जी ने जो बात कही थी, महात्मा जी ने जो बात कही थी, उस पर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई थी, मैं एक बात कहता हूं कि ये जो तीर्थ हैं, जो संत महात्मा हैं, जो पवित्र स्थान है, उसमें जो व्यक्ति की जिसकी जो पात्रता होगी और जिसका जितना पवित्र भाव होगा, जिसका जितना समर्पण होगा, वह उसको उतना ही प्राप्त होगा। तो जो महात्मा जी ने कहा, उन्होंने जिसकी पात्रता जो देखी होगी, उसको उन्होंने आशीर्वाद दिया होगा, आशीर्वाद देने के लिए कोई किसी को प्रतिबंध नहीं है। मैंने कहा कि जो एक एक जो नेचुरल फेनोमेना है, वो मैंने बताया कि जिसकी जो पात्रता होगी, जो जितने पवित्र मन से जाएगा, उसको वो उतना आशीर्वाद मिलेगा। हाँ। जिसकी उतना ही उसका पात्र में तीर्थ देता है, है। और दूसरी बात पर छोड़ देते हैं, वक्त बता देगा। आयोजन है। हाँ जी, शाहजहां नदवी जी, एक सवाल शाहजहां नदवी जी से एक भी सवाल नहीं हुआ है। शाहजहां नदवी जी, कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने कहा कि अगर उनकी सरकार आएगी तो 3 तलाक वाला कानून हटा देंगे, वापस ले लेंगे। अब बयान नहीं था पहली बार, और ये महिला अध्यक्ष उनका बयान राहुल, ठीक है। शाहजहां नदवी जी, अब प्रियंका कुंभ में डुबकी लगाने की तैयारी कर रही है, राहुल गांधी भी जाएंगे, प्रियंका गांधी कुंभ में डुबकी लगाने के बाद आपको स्वीकार होंगी? जो भारतीय संस्कृति का संदेश है सबके माध्यम से, शाहजहां नदवी जी सारे नंगे हैं, उनका उद्देश्य होगा, संस्कृति पूरी दुनिया में जाएगी,
इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, सुन लेते हैं इस्लामिक। शाहजा नकवी जी अपनी बात रखिए। जी जी संगम में तो रचना जी नहाने जाते हैं। सबसे पहले मैं इस नाचिस को बनने का मौका दिया, आपका शुक्रिया जी। सबसे पहले सुन लेते हैं, सुन लेते हैं, शाहजा नकवी जी बोल रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर है, सुन लेते हैं डिबेट। इसके बारे में मैं जर्रा बराबर भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता। सौ बात की एक बात सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे राहुल जी हो चाहे वो मोदी जी हो, जिसकी जैसी नीयत होगी और जिस नीयत से वो डुबकी लगाएंगे कुंभ में, उस पर वो डिपेंड करता है। अभी हमारे गुरु जी बहुत अच्छी बातें बता रहे, लेकिन थोड़ी उसने गलती कर दी कि उसने कहा कि हम जो है सिर्फ मोदी को आशीर्वाद देंगे। अभी उन्होंने भगवान की सारी कहानियां बताई, उन्होंने कि भगवान का क्या मकसद है, कुंभ का क्या मकसद है। कुंभ का मकसद ये है कि लोगों में प्यार अपने अपने विचार हो सकते हैं, अपनी अपनी चॉइस हो सकती है, हम लोगों तक पहुंचे, बहुत अच्छी बात है। उमानंदन कौशिक जी, वीएचपी तो बहुत राम मंदिर का राग अलाप रही थी, इस बीच पाताल बाबा ने कह दिया है कि आशीर्वाद तो हमारा प्रधानमंत्री के साथ में है। 21 तारीख को अयोध्या कूच करने की तैयारी संत समाज कर चुके हैं। संतों की इस लड़ाई में जब सियासी डुबकी लगा रही है हर पार्टी, कहीं नुकसान तो नहीं उठाना पड़ेगा बीजेपी को? नहीं, इसमें नुकसान बीजेपी उठाए या कांग्रेस उठाए उससे हमें कोई बीस हिंदू परिषद को लेना देना नहीं है। मेरा निवेदन तो यही है, जैसे अभी सैफ भाई बोल रहे थे कि वहां पे ये क्यों जा रहे हैं, अरे भैया मैंने कब बोला कि जा रहे? नहीं, आपने बोला ना क्यों क्यों, हाँ ये बोला कि बोला? आपने यही बोला, सुना बोला? मेरी बात सुन लीजिए पहले, जा रहे हैं सबका जो है आस्था का। देखो पहले पूरी बात सुन लीजिए, त्रिवेणी जी पहले और से सुनना सीखिए। त्रिवेणी जी मेरी बात सुनो, आप सुनो मेरी बात, बोलने की आदत है क्या? आपने आप ही मुझे समय मिला है तो आप मुझे बोल लेना। पहले पूरी बात सुन लीजिए सर जी, फिर जवाब दीजिएगा। बोलने दीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। जा रहा है वो उसका आस्था का विषय है, इसमें कोई सवाल नहीं करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि क्यों जा रहे हैं, मैंने इसको बोला क्यों जा रहे हैं? नहीं वही तो अभी बोला है, कमाल की बात है। मैं कह रही हूं बोलने दीजिए, पहले बोलने दीजिए, क्या बोल रहे हैं? आप भी जाएं तो आपको भी मना नहीं है, त्रिवेणी जी में आसू जी दोनों ऐसी जाए वो उसको भी मना नहीं है। किसको आपत्ति होनी चाहिए? आप जबरदस्ती पूज्य गुरु जी से जो कह रहे हैं हमारे पाताल बाबा, उनसे जबरदस्ती आप आशीर्वाद लेना, उनका मन है वो आशीर्वाद। की बात नहीं, मैंने तो बाबा से महाराज से मैंने सिर्फ अनुरोध किया था कि महाराज जी क्या किसी को करना चाहेंगे जिसने ऐसा अल्फाज जो है भगवान के अच्छा लगा है, वो तो अपना विचार है, मोदी जी अच्छा लगा है उनका आशीर्वाद देंगे। अरे हमारे यहाँ पर सनातन परंपरा में यही कहना है, करेंगे तो हम उस पर भी कर लेंगे। किसी ने भी बोला कि भगवान गणेश की प्लास्टिक सर्जरी हुई थी, आपको पता नहीं है पुराने टाइम में भारत में ज्ञान विज्ञान वाली बात लीजिए। मोदी जी का मैं वीडियो दिखाना चाहता हूँ जो बोलते हैं प्लास्टिक सर्जरी का एकदम पलटा। अब बताइए महाराज, महाराज जी अब बोलेंगे ये नए मोदी जी, मोदी जी कह रहे हैं भगवान की प्लास्टिक सर्जरी का एग्जाम्पल है। आप ये सुनिए वापस, इशु को पता नहीं कहां से कहां घुमाई हुई थी, गणेश जी के सर लगाने पर अश्विन कुमार ने उनकी सुनिए, अगर इस तरह के बयान निकालने हो कांग्रेस के नेताओं के लिए बयान निकल जाएंगे, अगर इस तरह के बयानों पर ही बहस करनी हो किसी और दिन कर लेंगे। नहीं भगवान जी को नहीं 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 अभी महाराज जी आप योगी जी आप मोदी जी को आशीर्वाद देंगे? बताइए अगर आप आशीर्वाद देंगे वो गुरु नानक के पथ पर चल रहे हैं, साक्षात मानव रूप में आकर खेलते हैं, तो क्या आपके नेता क्या बोल सकते हैं ऐसे? क्या हिम्मत की आशा रखने वाला विवाद संयोग है? आप नहीं आइएगा कंप्यूटर बना नहीं आप आइएगा तो मैं साथ साथ और ये बयान रुके हैं, ये इनको ना चीजों को ना भ्रमित करने की ये भ्रमित करने की जो धारणा
मोदी जी ने बताया आज भी आपके प्रधान लगे कांग्रेस के न जाने कितने बयान निकल जाएंगे। अब्बास अली कुछ कहना चाह रहे हैं, अब्बास अली भी बोलिए, अब्बास अली कुछ कहना चाह रहे हैं, अब्बास अली अपनी बात रखिए। देखिए अब्बास अली हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। आज दुनिया में जिस भारतीय उमानंदन भाई हमारी बात तो सुन लीजिए, उमानंदन भाई आप हमारी बात सुन लें, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस भारतीय संस्कृति को लेकर के पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की संस्कृति और इसके कल्चर को लोग मानते हैं, नतमस्तक होते हैं, उस भारतीय संस्कृति का सिरमौर, उसका सर का ताज है कुंभ। और कुंभ जैसे गंभीर विषय पे जिस प्रकार की बातें आ रही हैं या जो आप जानना चाहते हैं वो प्रश्न ही सामने नहीं आ रहे, उत्तर दूसरे आ रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कम से कम हमको ये देखना चाहिए कि हम किस विषय पे बैठ करके बात करने वाले हैं। अगर आप सुनिए डिबेट के टॉपिक को अगर आप डिरेल करेंगे ऐसे बहुत से मुद्दे मिल जाएंगे। देखिए बाकी पैनल में जो लोग बैठे हुए हैं वो हंस रहे हैं, मैं कह रही हूँ बाकी पैनल में जो लोग बैठे हुए हैं देखिए हंस रहे हैं, देखिए देखिए लखनऊ स्टूडियो में जो बैठे हुए हैं वो हंस रहे हैं क्योंकि बात को समझ नहीं आ रही है। मैं ये कह रही हूँ जिस तरह आप लड़ रहे हैं, देखिए सुनिए, आप सभी जिम्मेदार नागरिक हैं, आप सभी जिम्मेदार नागरिक हैं, जिम्मेदार दल को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिम्मेदार दल को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिम्मेदार नागरिक आप सभी हैं, लेकिन इस तरह से बात करके ना, देखिए लखनऊ स्टूडियो में हंस रहे हैं, शांत हो जाइए। नहीं सब गलत है, सब गलत है, सब गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, सभी बड़े बैठे हुए नहीं, रियाज रखिए ना, ना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बीच में 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 नहीं, शांत। संगीता जैसा ग्रंथ सुश्रुत संगीता रावण ने लिखा था, मिश्रा जी बोल दीजिए ना, आप अरे कह तो रहे हैं, कह तो रहे हैं, आप बोल दीजिए ना, मिश्रा जी आप आवाज दीजिए ना, टॉपिक टॉपिक डिरेल, टॉपिक डिरेल, ना 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 ना, टॉपिक डिरेल, टॉपिक डिरेल हो रहा है, टॉपिक डिरेल हो रहा है, सेफ नहीं, सेफ नहीं, सेफ नहीं, सेफ नहीं, सेफ नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, अरे आपसे बढ़ रहा है, बाकी पैनल के लोग हंस रहे हैं, औरों को भी मौका दीजिए, औरों को भी मौका दीजिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, देखिए धर्म गुरु हमारे साथ जुड़े हैं, एक और धर्म गुरु हमारे साथ जुड़े हैं, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, और भी पैनल में लोग बैठे हुए हैं, और भी पैनल में लोग बैठे हुए हैं, देखिए राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रयागराज से, देखिए सुनिए, एके मिश्रा जी शांत हो जाइए, एके मिश्रा जी शांत हो जाइए, प्रयागराज से आशीर्वाद मिलेगा या नहीं इस पर हम बात कर रहे थे, राजेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, नहीं 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 शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, तो मरवा देंगे अंदर उनके नवाज को, बच्चों को मार देंगे, देखो के बारे में कि अगले लोग क्या करते हैं।
देखिए वंदना जी के पास जाने वाली बात करते हैं। देखिए वंदना जी देखिए डिबेट का एक तरीका होता है, डिबेट की एक गरिमा होती है, अपने अपने दल को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, तो जिम्मेदारी को समझिए भी। आप अपनी बात दर्शकों के सामने इस तरीके से रखिए कि वन बाय वन बात समझ में आए। अगर एक शख्स बोल रहा है तो दूसरा, मैं सभी को कह रही हूँ सर, 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 लखनऊ स्टूडियो से हंस रहे हैं, हंस रहे हैं आप पर, क्योंकि आप बच्चों की तरह आप उसमें लड़ रहे हैं। ये बहुत बड़े वक्ता है, वंदना जी सुनिए, वंदना जी सुनिए, ए के मिश्रा जी सुनिए, हमने शुरुआत ही की थी कि प्रयागराज का आशीर्वाद मिलेगा क्या, हालांकि पूरी डिबेट डीरेल हो चुकी है। प्रयागराज से धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। राजेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेश मिश्रा जी, पाताल बाबा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि पाताल बाबा जी, आपने कहा कि प्रधानमंत्री को आपका साथ है, आशीर्वाद है, ये बताइए 21 तारीख को जब साधु संत कूच करने वाले हैं अयोध्या, क्या आप उनके साथ रहेंगे? हम नहीं रहेंगे, क्योंकि हम संविधानिक संत हैं, हम नाथ प्रसाद संप्रदाय के संत हैं, हम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानते हैं। अच्छा। सुप्रीम वो आदेश देंगे, जब हमारा मंदिर निर्माण बनने का आदेश होगा तब हम मंदिर बनाएंगे। हम उनके जैसा अफरूट अफरू संत नहीं है कि जो भी कहेगा और मैं नहीं, अभी आप अभी पाताल बाबा जी को बोल रही है, बहुत देर बाद कोर्ट का बेंच अगर देगा मंदिर बनाने का इजाजत तब हम मंदिर बनाएंगे। और वो देगा, वो हिंदुओं का आस्था को सुप्रीम कोर्ट जानता है अच्छी तरह से, सुप्रीम कोर्ट को मालूम है कि हिंदुस्तान में राम पैदा हुए थे, रामनवमी को छुट्टी देता है सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार, तो यहाँ पर मंदिर बनेगा। देर आए दुरुस्त आए, हम सही मार्ग पर चल रहे हैं और संविधानिक जो भी आदमी होगा, जो भारतवर्ष के सभ्यता संस्कृति और संविधान में विश्वास करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट के आज्ञा अनुसार चलेगा। ठीक है, अब्बास अली जैदी जी, आपकी पार्टी के मुखिया भी पहुंचे, शिवपाल यादव भी पहुंचे, अखिलेश यादव भी पहुंचे, अपर्णा यादव भी पीछे पीछे पहुंची, आपको क्या लग रहा है कौन सी पार्टी को यहाँ का आशीर्वाद मिलने वाला है, देश की जनता किसे स्वीकार करेगी? रचना जी, कुंभ में स्नान करने का और कुंभ में जाकर के हाजिरी देने का सौभाग्य आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को और उनके परिवार के तमाम सदस्यों को दिया, ये उनका एक व्यक्तिगत प्रश्न है, ये उनका एक व्यक्तिगत मसला है, धर्म के प्रति उनकी आस्था, उसकी पब्लिसिटी या प्रोपेगेंडा नहीं हो। रहा सवाल, मैं इतना कहना चाहूंगा, देखिए संत समाज के जी कुछ कहा आपने, आपने कम से कम आप ही केवल एक ऐसे राजनीतिक प्रवक्ता है जिन्होंने ये कबूला कि हमारी धार्मिक आस्था है, हम राजनीति के लिए नहीं जा रहे हैं। अच्छी बात है, नहीं बिल्कुल सही बात है, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी और उनके परिवार को इस देश में किसी राजनीतिक व्यक्ति या किसी सामाजिक व्यक्ति से अपने आस्था का सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है, ये वास्तविकता, और हमारा संविधान भी हमको ये आजादी देता है कि हम किस धर्म के प्रति, हम किस धर्म के प्रति नहीं होते। उनके सरकार, मैं इतना कहना चाहूंगा, देखिए संत संत कथा का एक बहुत बड़ा योगदान हमारे देश में है, कोई आदमी झांकने नहीं गया, नहाने नहीं गया, पच्चीसों बार कुंभ मेला लग गया, अब की बार जाने का क्या रीजन है? 2013 में गए थे ना मिश्रा जी, कोई बात नहीं। आदरणीय मिश्रा जी चीखने से बातें बहुत साफ नहीं आती, आहिस्ता बोलने से भी बातें साफ आ सकती हैं। आप बड़े पत्रकार हैं, गंभीर हैं, आप जानकारी कर लीजिए। मैंने आपसे कहा ये राजनीति और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बहुत सारी चीजें, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी चीजें आसानी से हमको अब उपलब्ध होती हैं। माननीय नेताजी ने हर बार, हाँ ये अवश्य है कि पद पे रहते हुए कभी उन्होंने
इस तरह के किसी भी कार्यक्रम का उन्होंने प्रचार प्रसार नहीं किया और आगे भी हम नहीं करेंगे, ये हमारी सोच नहीं है। हम धर्म के ऊपर राजनीति नहीं करते, धर्म हमारा व्यक्तिगत प्रश्न है। मैं इतना कहना चाहूंगा रचना जी, देश में चुनी हुई सरकार आई थी, एक चुनी हुई सरकार बहुत कुछ उस सरकार के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता था। ये पॉलिटिकल रचना जी, डू थिंक ए के मिश्रा इज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट? आई डोंट थिंक सो। मतलब दिस पर्सन राइट फ्रॉम द वर्ड गो ही इज ट्राइंग टू डिरेल द डिबेट। आई डोंट थिंक ही इज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट। इफ यू आर अ पॉलिटिकल एनालिस्ट यू शुड कमेंट व्हेन द एंकर आस्क यू। यू आर कमेंटिंग ऑन एवरीबॉडी। This doesn't make you a political analyst. Mind you, Mr. Mishra. You are here. You are here to comment when the anchor asks you. आपसे हम मशवरा नहीं ले रहे। एंकर आपसे सवाल करे, आप अपना उस मुद्दे पे वो दीजिए। सबके ऊपर आप बार बार बोल रहे हैं। हरीश जी एक बात बताइए, हरीश जी एक बात बताइए, प्रियंका गांधी जब कुंभ में डुबकी लगाएंगी, युद्ध स्तर पर तैयारियां उनके लिए भी चल रही हैं, अमित शाह भी पहुंचेंगे, क्या अमित शाह बनाम प्रियंका होती हुई दिख रही है लड़ाई कुंभ में? नहीं, पहले पहले जब सबसे पहला प्रश्न आपने मुझसे किया था जी, तो मैंने कहा कि ये कुंभ तो एक आस्था का एक विराट मंच है, पूरी दुनिया के लोग आस्था। ये भारतीय संस्कृति की पूरी दुनिया में स्वीकारता है कि पूरी दुनिया से लोग इस कुंभ में स्नान करने के लिए आते हैं, और हमारी सरकार ने तो गांव गांव पत्र लिख के भेजा कि सब लोग आए कुंभ स्नान करने के लिए। सारे देश के प्रतिनिधियों को, सारे देश के राजदूत आए वहां, और सभी दलों के मुख्यमंत्रियों को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आमंत्रित किया। तो ये इसको ये अमित शाह बनाम प्रियंका और ये कहना गलत होगा। इससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। इतना बड़ा फंड इससे पहले कुंभ के लिए दिया नहीं गया, इससे पहले यूपी कैबिनेट की बैठक वहाँ हुई नहीं, इससे पहले प्रधानमंत्री की बैठक भी कैबिनेट वहीं होने की तैयारी भी चल रही है। एक के बाद एक सभी नेता बड़े चेहरे बीजेपी के जा रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, सबको कमान सौंपी हुई है। साथ जो खड़े हैं उनके उनका आशीर्वाद उनको मिलेगा। अच्छा, सही बात है। देखिए, मुझे लगता है रचना जी, ये पॉलिटिकली आप वो आस्था का विषय है, वो भी बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। मैं भी उनकी बात को जो है इनकार नहीं कर रहा हूं कि हर कोई जो जा रहा है वो अपनी आस्था के लिए जा रहा है, उस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए कि आप पॉलिटिकली उसके ऊपर जा रहे हैं। लेकिन सवाल इसलिए उठाना लाजमी हो जाता है सैफ जी, सवाल की बात है। बिल्कुल वंदना जी, अब मैं फिर कुछ और पूछ लूंगा तो बड़ी तकलीफ होगी। नहीं नहीं, शांत हो जाइए वंदना जी, जवाब फिर पूछ लूंगा। वंदना जी को देखिए, वक्त खत्म हो रहा है, वक्त खत्म हो रहा है। वंदना जी बोलिए, वंदना जी को सुन लेते हैं। लास्ट एक मिनट है, लास्ट एक मिनट है, सिर्फ लास्ट एक मिनट। मैं बोलता हूँ मुझे संदर्भ लास्ट एक मिनट है, वंदना जी महाराज ने कहा है कि तुम जो है वो एकता का संदेश है या नहीं है? अरे एकता नहीं है, ऐसी बात अरे बताइए ना, आप लोग बड़ा है या नहीं? अरे बता दीजिए, अच्छा अगर घबराते नहीं है सुनिए, भगवान मैं बताना चाहता हूँ, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के लिए रिलीजन जो है भर चुके हैं 41%। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्या लेना देना है? मैंने ये कहा है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बात मत करो। लास्ट 30 सेकंड है, तुम जो है एक लोग का सही और अलग है। सुनो, अब सुनो, तुम जो है अली के भाई ने कहा है कि यहाँ पे गुंडे लोग का कलर के ट्रेन से पड़ गया है। कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं खत्म हो गया। टाइम खत्म हो गया। इस तरह के
चिल्लाएंगे किसी को, मत समझ नहीं आ रहा।